ठीक से हो सकता है अच्छी हिंदी ना बोल सकूं क्योंकि मैं पंजाब से भी हूँ, लेकिन मैं हिंदी भी पढ़ता रहा अपने 10वीं कक्षा तक और पंजाबी भी, इसलिए हो सकता है मेरी भाषा में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क हो ना। तो रहा तो टीचर ही हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ 12 साल 20 साल पढ़ा लिया मैंने, वैसे बता रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना बहुत ही अच्छा लगा है उनको, मेरे को इतनी खुशी बता नहीं सकते हैं। और भगवान राम और हनुमान भगत जी के बारे में जो भी है, गुरु से तो बारे में बताया, सुनील जी ने बहुत अच्छा किया है, हो सकता है किसी को नहीं मालूम हो बात। तो यहाँ हम सीखते हैं कि जीवन में कैसे जीना है, भाई से कैसे प्रेम करना है, भविष्य का जो पढ़ते हैं इसमें सब रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे रामचंद्र भगवान हैं उनके बारे में सब हमें चाहिए कि अपने बच्चों को भी ज्ञान दें, हम तक सीमित ना रह जाए। मैं तो सोचता रहता हूँ कोई राय मैं भी उनको मंत्र सिखा दूँ और या क्या हूँ मार्मिक कठिन सिखा दूँ, लेकिन मेरे को कोई मिलता नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। अपनी संस्कृति को बोल रहे हैं, वैसे एक बात बताऊँ 30 साल बाद इतना नहीं रहेगा, इसलिए अच्छा है बच्चों को मंत्र सिखाओ, कुछ ना कुछ गायत्री मंत्र बता दो, कपूर गौरव गणना उतारण ऐसे बता दो, दुर्गा माता का सर्वमंगल मान देखिए चरण साधते शरणे चरण से गौरी नारायण ऐसे मंत्र। मैं जहां भी जाता हूँ 2-2.5 घंटे लगाता हूँ होम वार्मिंग में, सभी को पार्टिसिपेट करता हूँ ताकि उनको पता चल जाए भी कुछ करना है। ये जो उपराला है ना सबसे बहुत अच्छा किया है उपाध्याय जी, भगवान उनकी आयु और लंबी करे, इनको तरक्की करे, ये सारी टीम को यानी भगवान आशीर्वाद दे, जितने भी सहयोगी हैं पार्टिसिपेंट हैं उनका भी कानून की गुडविल बहुत बने और भगवान को तरक्की दे, मेरी यही आशीष है। क्योंकि मैं तो बूढ़ा आदमी 70 साल का हो गया, तो जैसे मैंने बताया ना चाहे लगता हूँ या नहीं लगता हूँ मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ भाई, 71 सितंबर में लग जाएगा। तो ये जो भगवान का कहने का मतलब ये जो नाम लेता है ना उसके मुंह पे लाली रहती है, अली समझते हैं ना, तो बताया अली पंडित जी जो यौवन अवस्था रहती है जब हम भगवान का नाम लेंगे, अगर हम भगवान का नाम लें बीमारी से युक्त हो जाएंगे, हम तो तभी भगवान का नाम लेते हैं जब हमें दुख होता है। तो इसलिए सुख में भी नाम लिया करो, ऐसे काम करवाया करो, ऐसे कार्यक्रम जो प्रोग्राम है ऐसे करवाया करो, बड़ी अच्छा लगता है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आखिर में कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद सबका।